फ्रेंड नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि अभी देख ही रहे हैं, इधर उधर चैट चल रही है टेलीग्राम पे और सब जगह कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो एसबीआई पीयू प्रीलिम्स का ऑफकोर्स मैं समझता हूँ कि सब देखो कंसर्न रहता ही है, सारे स्टूडेंट का कंसर्न रहता है कि रिजल्ट आए, पता चले, फिर दमदारी के साथ मेंस की तैयारी करें। रिजल्ट आएगा, इसी वीक में आ जाएगा और कभी भी आ सकता है, जैसे कल, परसों, उसके नेक्स्ट डे कभी भी आ सकता है, बिकॉज आपको पता ही है कि जनवरी फर्स्ट वीक में टेंटेटिव डेट है मेंस की ऑफ कोर्स, और रिजल्ट आपका इस वीक में कभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। लेकिन सोच कर आप आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का जिनका एग्जाम है, वो सोच कर अपनी पढ़ाई से अपने आप को मतलब अलग मत करिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि फोकस जो है वो नहीं हटना चाहिए पढ़ाई से, तो पढ़ाई पे जो फोकस है वो बनाए रखें। रिजल्ट आएगा, ऑफकोर्स आएगा, और ये मान के चलिए फेवर में आएगा, ठीक है, हम तो करके आ गए एग्जाम को। तो कल आए, परसों आए, अब अलग अलग तरह से लोग अलग अलग उसमें डिस्कशन चल रहा है, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी ज़्यादा ना सोचें। लेकिन इस वीक में रिजल्ट कभी भी आपके सामने आ सकता है, और होप फॉर द बेस्ट। और मैं तो ये कहूँगा कि ऑल द बेस्ट एंड अच्छा होगा, सबके फेवर में होगा। अभी आप जिनका क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम है 18-19 को, वो उस पर पूरी तरह से फोकस करें। रिजल्ट आएगा तो ऑफकोर्स आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बार बार उसको ना सोचें। जब रिजल्ट आएगा तो सारी जगह पे अपडेट हो ही जाएगा, सारे लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। और इस वीक में कभी भी रिजल्ट आएगा तो उसके लिए तैयार हैं हम, और मेंस की तैयारी, आई होप जिनका क्लर्क का एग्जाम हो चुका है वो मेंस की तैयारी में जुड़ चुके होंगे, मेरा ऐसा भरोसा है, और जुड़ना भी चाहिए मेंस की तैयारी में। क्लर्क भी, आईबीपीएस पीओ भी, एसबीआई पीओ भी, तो मेंस की तैयारी करिए। सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं। ऑफकोर्स बेसिक से एडवांस पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, हर सब्जेक्ट को पढ़िए, और पूरी शिद्दत से अपनी मेहनत पे, पूरा अपनी मेहनत पूरी, मतलब जो अपना 100% दीजिए आप, ठीक है। तो इस वीक में टाइम, मतलब वो कहते हैं ना कि कभी भी रिजल्ट आ सकते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है रिजल्ट का, और अपना क्लर्क पे जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उस पर पूरा फोकस करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।